ये अच्छा है कि मुझे छोटा अंडा मिला। अंडा इतना बड़ा क्यों है? कितना बुरा। ऐसा लगता है कि बेटा बहुत बदकिस्मत है। हंसना बंद करो, चलो केसी अपना अंडा खाओ। नहीं एलेक्स चलो। अच्छा ठीक है, मैं ये अंडा खाऊंगा। मैं काटने की कोशिश करता हूँ, कुछ काम नहीं करता। मैं देखो नहीं हो रहा है। सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है एलेक्स, ये लो पकड़ो। हाँ धन्यवाद केसी। तो चलते हैं। अरे नहीं कितना घिनौना है। बड़ी जल्दी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए एलेक्स। चलो अपना अंडा खाओ केसी। आसान है, देखो मेरे पास क्या है। उसके पास क्या है? ठीक है, पहले मुझे सब कुछ तैयार करने की जरूरत है। और अब एक फ्राइंग पैन में अंडे को तोड़ना और फिर फ्राई करना है। हो गया, बढ़िया तले हुए अंडे तैयार हैं। वाह बहुत अच्छा, अब खाने का समय है। यह कितना स्वादिष्ट है। खैर अब तुम्हारी बारी है बीचा। अरे नहीं। अंदर क्या है? तो यहाँ गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। आउच, ओह, ओह। वाह, कितना अच्छा। यहाँ मुझे सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। वह क्या करने वाली है? ओह, ओह, ध्यान से। अरे चलो देखो कि अंदर क्या है। वाह, अरे सावधान रहो। अरे वाह इतने सारे स्वादिष्ट चीज एक साथ, बहुत खाना है। वीटा कम से कम एक यमी ट्रीट हमारे साथ शेयर करो प्लीज। अच्छा ठीक है रुको। ओके यह लो। वाह ओ कितने स्वादिष्ट ट्रीट्स हैं। वाह मेरे पास कितना बढ़िया सीरियल है। बस अविश्वसनीय, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है बेटा। हे तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। ओह ये बहुत अच्छा लगता है। केवल एक? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी दूध है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। क्या दुर्भाग्य है बेचारी बेटा। चलो अपना कॉर्नफ्लेक्स खाओ एलेक्स, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वाह यम 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 यम। और अब दूध पीता हूँ। हाँ वाह मुझे भी भूख लग रही है। और अब एक बार में। वाह कितना बढ़िया, कितना लालची है। अब इतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह ये बहुत अच्छा था। केसी अब तुम्हारी बारी है। All right. मैं इतना दूध कैसे पी सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। सारे कॉर्नफ्लेक्स एक बाउल में डालते हैं। हाँ ओह केसी के पास कितने सारे कॉर्नफ्लेक्स हैं। बहुत अच्छा, सीरियल की बारिश। वाह पकड़ो कॉर्नफ्लेक्स पकड़ो। सुपर, और अब थोड़ा दूध डालती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। वाह अद्भुत। और अब खाने का समय है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे जानना है ये कब तक ये सब खाएगी। मेरे फनी पॉनीटेल को देखो। मैंने आखिरकार सब खा लिया। क्या हुआ?
लगता है आखिरकार कोई खाना खत्म कर लिया। ओ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। कितना प्यारा सा केक है। वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट कूल केक है। बेटा देखो केसी के पास क्या है। वाह, कितना अच्छा। क्या कमाल का केक है। ओ, तुम्हारे पास कितना छोटा केक है एलेक्स। हाँ, एलेक्स के पास बहुत छोटा केक है। हंसो हंसो और मैं खाना शुरू करता हूँ। और मेरे पास एक कांटा और चाकू भी है। देखो, बिल्कुल सही साइज का। अब इसे खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब। चलो बेटा, तुम्हारी बारी है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, असली ट्रीट। ओह, वो कितनी लापरवाही से खाती है। मैं ये सब खाना चाहती हूँ। हाँ, वो पूरी नीली हो गई है। अरे, तुम किस पर हंस रहे हो? बेहतर होगा कि तुम अपना केक खाओ केसी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। ओह, मैं इसे नहीं देख सकता। कितना स्वादिष्ट है। केसी सावधान। नहीं, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या है? हाँ, अरे नहीं। ओह, अपने केक के साथ गिर गई। ओह, सब ठीक है। आउच। और मैं इसको अभी भी खा सकती हूँ। मैं भी खाना चाहता हूँ। तैयार हो जाइए, हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो हमें इस बार क्या बनाना है? ओ वाह, सलाद। अच्छा, तो क्या सब तैयार है? अब हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा हीरो इस डिश को सबसे अच्छा बनाता है। प्रोफेसर अपना काम शुरू करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? किसी तरह की मिट्टी। क्या ये कोई जादू के बीज है प्रोफेसर? खैर, अभी पता चल जाएगा। ओहो, प्रोफेसर ने कितने सारे बीज डाले हैं। अब वह पानी डाल रहे हैं। ओ बस, उफ, ऐसा लगता है किसी ने पानी के साथ अति कर दी है। आपको सावधान रहना चाहिए प्रोफेसर। हाँ, बस बस, मैं अभी सब ठीक कर दे रहा हूँ। हाँ, आप सब ठीक है। ओह, यह क्या हो रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। जरा इस परफेक्ट सलाद को देखो। बहुत बढ़िया। प्रोफेसर ने कुछ सलाद के पत्ते काटे। चलो प्लेट में सलाद को रखते हैं। और उसके बगल में ब्रेड का एक टुकड़ा, क्यों नहीं। ओह, अच्छी पुरानी डिब्बाबंद फलियों का स्वाद। बस इतना ही। ओह, हमें इस डायनासोर की क्या जरूरत है? ओह वाह प्रोफेसर, ये कितना खूबसूरत है। अच्छा काम। अच्छा दीदी, इसका उत्तर कैसे देगी? अरे, ये सब्जियाँ सलाद के लिए हैं, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। खैर, यह अलग मामला है। बहन चाकू से सब्जियों से सलाद काटती है। अब क्या? सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च। ओह वाह, बहन ने कितना प्यारा सलाद बनाया है। मुझे लगता है कि रोजी को यह सलाद जरूर पसंद आएगा। लेकिन हमें अभी शेफ की डिश देखनी है। हाँ, ऐसा लगता है कि शेफ मजाक के मूड में नहीं है। वह व्हाइट सॉस लेती है और यह रहा, इसे प्लेट में सावधानी से फैलाती है। ब्रेड के टुकड़े, ब्लेंडर। क्या सच में? कितना अलग सा है यह। शेफ तैयार ब्रेड के टुकड़ों को एक प्लेट में डालती है और अब सब्जियों के स्लाइस काटती है। कितना सुंदर है। सबको सब सब्जियों को अच्छे से काट लिया। ओ वाह,
जरा इस सर्विंग को देखिए, सैफ एक सच्चे प्रोफेशनल है। खैर ऐसा लग रहा है कि व्यंजन तैयार है और ये चखने का समय है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, कितना अलग सा सलाद है। ओह, क्या ये एक डायनासोर है? चलो इसे खा कर देखती हूँ। ओह वाह, ये चॉकलेट है, ये स्वादिष्ट है। और यह क्या है? ची, मुझे बीन से नफरत है, एकदम बेकार। तो अब चलो तुम्हें ट्राई करते हैं। क्या मस्त आंखें हैं। अब देखती कि उनका स्वाद कैसा है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। अंत में तीसरा सलाद। मुझे आशा है कि मुझे ये पसंद आएगा। यह एकदम बेकार है, खराब। मुझे यह पसंद नहीं आया। No. और यह वाला भी नहीं। और यह रहा हमारा विनर। क्या मैं बेशक मैं दुनिया की सबसे अच्छी कुक हूँ। मैं एक छोटी सी पार्टी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रोफेसर, अब नए प्रयोगों का समय नहीं है, आगे एक नया टास्क है। और हमारे हीरोज का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, यह मिल्क शेक है। क्या आपको मिल्क शेक पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगली बार हम आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। प्रोफेसर फिर से खाना बनाना शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। उनके हाथ में क्या है? सोडा। ऐसा लगता है कि हम फिर से प्रोफेसर से केमिस्ट्री के लेसन का इंतजार कर रहे हैं। वह अलग अलग तरह के लिक्विड को मिलाने में कितने अच्छे हैं। अब वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं। इन बबल्स को देखो, ऐसा लगता है कि ड्रिंक तैयार है। वाह, बेशक यह बिल्कुल मिल्क शेक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वह प्रोफेसर है। वह हमेशा स्थिति से बाहर निकलने का दिलचस्प और असाधारण रास्ता खोजते हैं। ऐसा लगता है कि बहन ने सोडा से अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया है। हाँ, कभी कभी सोडा का कैन खोलना आसान काम नहीं है। ओह नहीं, यह कोई अच्छा आइडिया नहीं था। अब यह सब सोडा तुम पर। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। ओह, कितने अफसोस की बात है, लेकिन बहन के पास अभी भी कुछ सोडा बचा है, हालांकि ज्यादा नहीं। अब आगे क्या? वाह, जरा देखो यहाँ कितने लॉलीपॉप है। अब बहन व्हिप्ड क्रीम निकालती है, बस ऐसे। हरिबो बेयर। वाह, शानदार आइडिया प्रोफेसर, बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह की आसान ड्रिंक से शेफ को सरप्राइज करना मुश्किल है। अब शेफ प्रोफेसर और बहन को दिखाएगी कि असली कुक का ड्रिंक क्या होता है। वाह, ऐसा लगता है कि हमें एक फ्रेज की जरूरत होगी। अब हम इंतजार करेंगे। बहन ने अपना ड्रिंक लगभग पूरा कर लिया है। यह बहुत अच्छा निकला, लेकिन शेफ अभी भी उससे प्रभावित नहीं है। शेफ अपना ड्रिंक फ्रिज से बाहर निकालती है। हाँ, देखते हैं। हाँ, यह बर्फ की एक साधारण गेंद की तरह दिख रहा है। तो अब क्या? वाह, यह कितना सुंदर और असामान्य है। अब शेफ को एक कोला चाहिए, बस थोड़ा सा कोला। शेफ कोला को सिरिंज में खींचता है। बढ़िया है। वाह, और यह तैयार है। इस ड्रिंक की रेसिपी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। हालांकि यह फैसला रोजी को करना है। वाह, जरा देखो तो बहन ने कितना बड़ा मिल्क शेक तैयार किया है, कितना अच्छा है। अरे नहीं, बहन का कॉकटेल फर्श पर गिर गया। अब वो क्या करेगी? रोजी को केवल दो कॉकटेल के बीच चुनाव करना होगा। वाह, कितना अच्छा धुआं है, क्या हम इसे पी सकते हैं? हाँ हाँ, ये स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। अब तुम्हारी बारी है। ओह, यह भयंकर है। हाँ, यहाँ यह हमारा विनर है। हाँ हाँ, आखिरकार एक योग्य जीत। हमारे हीरोज ने पिछले टास्क का अच्छी तरह से मुकाबला किया है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। यह जिंजर ब्रेड मैन है। ऐसी डिश बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे प्रतियोगी बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हैं। वे निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन करेगा, हम अभी पता लगाएंगे। हमारी शेफ खाना बनाना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह, कितना स्वादिष्ट शहद है। शेफ शहद डालती है और डालती है।
इस तरह से। और हमारे पास यहाँ क्या है? दालचीनी, आटा। बढ़िया, हम यह सब शहद में मिलाते हैं और हिलाते हैं। हाँ, इसे देखकर तो किसी की भी लार टपक पड़ेगी। अब बटर की बारी है और इसे फिर से मिलाना है। हाँ, शेफ जैसे अपने आर्ट के ऐसे मास्टर के साथ कंपटीशन करना बहुत कठिन है। बहन को अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसे चोट लग सकती है। बहन आटा मिलाती है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, यह कुछ ज्यादा ही है। किसी में स्पष्ट रूप से एकाग्रता की कमी है। इस बीच शेफ अपना आटा गूंदना शुरू कर देती है। कितना स्वादिष्ट है। शेफ ने आटा तैयार कर लिया है। इस खूबसूरत रंग को देखो। अब इसे अच्छे से बेल लेते हैं। फिर शेफ को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बस आटा तैयार है। सांचों का उपयोग करने का समय आ गया है। शेफ ने कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मन तैयार किया है। लेकिन शेफ सिर्फ एक जिंजर ब्रेड मन के साथ खुश नहीं होगी। ऐसा लगता है कि वह उसके लिए पूरा जिंजर ब्रेड हाउस बनाने जा रही है। शेफ ये सब अवन में डाल देती है। प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? आउच, आपके प्रयोग कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं प्रोफेसर। हाँ, आप साइंस के लिए क्या नहीं करेंगे, और एक स्वादिष्ट खाना के लिए भी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो कंपास का उपयोग करने जा रहे हैं। यह दिलचस्प है। आगे क्या होगा? रूलर। बढ़िया काम प्रोफेसर। अब आपको फिगर को सावधानी से लेने की जरूरत है। प्रोफेसर इसके लिए स्पैचुला का उपयोग करते हैं। बस इतना ही। बहुत अच्छा, प्रोफेसर का फिगर ओवन में जाता है। शेफ और प्रोफेसर को बस तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनकी निर्माण सामग्री तैयार नहीं हो जाती। वाह, यह और क्या है? दीदी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस आटे को इतनी ताकत से काटना है? खैर, जो भी हो, उसके पास डो के कुछ बहुत अच्छे टुकड़े हैं। अच्छा काम बहन। अब हमें रंगों की जरूरत है। वाह, कितने सुंदर रंग है। ओह, ऐसा लगता है कि आखिरी वाले में कोई समस्या है। अब उसे क्या करना चाहिए? वहाँ जरूर कुछ होना चाहिए। हाँ, अब उसने निश्चित रूप से सब कुछ निचोड़ लिया है। अरे, ऐसा लग रहा है कि बहन को चेहरे पर लगे सारे रंग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोफेसर, ओह, ठीक लग रहा है। अच्छा, तो हम वहाँ कहाँ रुक गए थे? अरे हाँ, रंगीन डो। यह अच्छा है कि बहन के हाथ में एक और ट्यूब थी। अब हमें इस डो को अच्छी तरह से गूंदने और इस तरह के सॉसेस बनाने की जरूरत है। अब हम इन सॉसेस को एक बड़े आकार में तैयार करते हैं। इस तरह से हमें एक सुंदर मल्टी कलर्ड घोंगे को तैयार करना चाहिए। बहन ऊपर से कुछ मीठे स्प्रिंकल्स डालती है। अब इसे अवन में डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओ वाह, शेफ की जिंजर ब्रेड तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। अब इस पर क्रीम डाल सकते हैं। शेफ धीरे से जिंजर ब्रेड के किनारों के चारों ओर क्रीम लगाती है। इस आलिशान घर को देखो, थोड़ी और क्रीम। वाह, ऐसे घर को खाना थोड़ा अफसोसजनक भी है। हालांकि ओह, अब शेफ घर को कैंडी से सजाती है। और यहाँ जिंजर ब्रेड मैन खुद है। मुझे लगता है कि वह इतने आलिशान घर में रहकर खुश होगा। अब शेफ अपने मास्टरपीस पर पाउडर चीनी डाल रही है। यह पाउडर बिल्कुल बर्फ जैसा दिख रहा है। कितना सुंदर है। प्रोफेसर, आप क्या सोच रहे हैं? खाने लायक ग्लू? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड रॉकेट बनाने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया। तो डिश तैयार है। यह चखने का समय है। वाह, यह जिंजर ब्रेड हाउस या किसी फेरी टेल की तरह है। ओह, मैं इसे ट्राई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। और हमारे पास यहाँ क्या है? अरे, यह जिंजर ब्रेड मैन है। चलो घूमने चलते हैं। लला 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 लला। वाह, रॉकेट। अब इसे खाती हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसा रॉकेट निश्चित रूप से उड़ान नहीं भरेगा। और यह क्या है? हाँ, कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन है। वाह, बुरा नहीं है। अब जिंजर ब्रेड मैन विजेता का चुनाव करेगा। यह वाला? नहीं। रॉकेट? यह भी नहीं। हाँ, जिंजर ब्रेड हाउस। हाँ, मुझे वो पसंद है। तुमसे पूरी तरह से सहमत, यह जीता। ओह, धन्यवाद। इसमें किसी आपत्ति होगी?